हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल आज़ाद गार्डनिंग। अगर आपको मेरा आगे बनने वाला वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकॉन दबाइए, तो आपके सब्सक्राइब में मेरा वीडियो जल्दी ही पहुंचा दिया जाएगा। तो आज मैं गुलदावरी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे गोल्डन रोज, सोलिडागो या तो एस्ट्रा के नाम से बुलाते हैं, जिसे हम हिंदी में गुलदावरी बोलते हैं। गुलदावरी तीन प्रकार की होती है, मैंने तीन प्रकार की देखी है और तो होगी या नहीं मालूम नहीं, मगर एक येलो फूल वाली, एक पिंक फूल वाली और एक वाइट फूल वाली। उसमें और कलर के फूल आते हैं या नहीं मुझे मालूम नहीं। देखने में सभी पौधे एक ही प्रकार के दिखाई देते हैं, ग्रीन कलर के पत्ते वाला, मगर फूल आने के बाद फूल के कलर क्या है मालूम पड़ता है। गुलदावरी के पौधे की जड़ से दूसरे पौधे निकलते हैं, उसे जड़ से निकाल कर ग्रो किया जाता है। सभी पौधे सक्सेस नहीं होते, मगर जड़ में मिलती मगर जड़ में मॉइस्चर मिलती रहे तो 70 या 80% ग्रो हो जाते हैं। मैं ये दो पौधे जड़ के साथ निकाल कर ग्रो करता हूँ और ले जाता हूँ। उसमें स्टिक के साथ फूल निकलते हैं, उसे गुलदस्ता बनाने में के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आज मैं गुलदावरी का पौधा कैसे ग्रो किया जाता है वो दिखलाता हूँ। गुलदावरी के पौधे के नज़दीक ऐसा पौधा ग्रो अपने आप निकलता है। देखो, इसमें से ये निकलता है, मैंने ये निकाला खींचकर, मगर ये निकलता है, नया पौधा हो जाएगा। इसमें से भी देखो ये दो निकलते दिखाई देते हैं, ऐसे गुलदावरी के बाजू में नए नए पौधे निकलते रहते हैं। अगर आपको गुलदावरी का नया पौधा उगाना है, ग्रो करना है, तो गुलदावरी के नज़दीक निकले हुए पौधे को थोड़ी मिट्टी निकाल कर उसको जड़ के साथ निकाल दीजिए, फिर उसको ग्रो कीजिए। एक गमला लेने का, नीचे ओल जाली जैसे हम करते हैं वैसे ही, और हमारे इसके बीच ये रख देने का, पॉटी मिक्स चिपक न जाए, पानी डालो तो पॉटी मिक्स ग्लास कुछ ये गमले को चिपक जाती है, इसलिए ये बीच में ये रख देने का, अच्छी तरह सेट कर देने का। और पॉटी मिक्स जो मैं बनाता हूँ वो ही बनाइए, 50% मिट्टी यानी कि सॉइल और 25% बालू रेत, जो हम बिल्डिंग काम के मटेरियल में जो रेत उपयोग करते हैं वही, उसमें से कंकर निकाल देने का, और 25% बालू रेत और 25% खाद, चाहे कोई भी खाद हो, वर्मी कंपोज हो, पत्ती हो, सड़ी हुई पत्ती, या तो गोबर का खाद हो, वो उसमें मिला देने का। ये मैं मिक्स करके ही रखता हूँ, क्योंकि बार बार मैं पौधे को ग्रो करता हूँ तो थोड़ा मिक्सिंग रखता ही हूँ। तो ये गुलदावरी के पौधे को बीच में खड़ा रख कर जड़ नीचे तक जानी चाहिए, ये निकला हुआ पौधे को ऊपर तक ले लो, जड़ को नीचे ले लो और आराम से अंदर खड़ी रख दो, पौधे को खड़ा रख दो और आजू बाजू मिट्टी डाल दो, बराबर बीच में पौधा सेट हो जाना चाहिए, मिट्टी के बीच खड़ा रहना चाहिए, लुढ़क नहीं जाना चाहिए एक साइड में, तो वो अच्छी तरह ग्रो हो सकता है। मिट्टी को दबा दो अच्छी तरह, ये नया पौधा भी निकल जाएगा।
तो इसमें दो पौधे मैंने ग्रो किए हैं और ये पौधा मैं सोसाइटी के गार्डन से ही लाया हूँ और जब बड़ा होगा तो गार्डन में लगा दूंगा या तो गमले में लगा दूंगा और अच्छी तरह ग्रो हो जाएगा। और आपने आगे या बाद में मैंने दिखा ये बड़े बड़े पौधे में कैसे फूल आते हैं ये भी आपने देखा है। तो ये ग्रो हो गया, फिर उसको पानी पिलाना पड़ेगा। एक बार अच्छे से पानी पिला दो, गमला भर जाए। बाद में थोड़ा थोड़ा पानी तो डेली देना चाहिए। और ये ग्रो हुआ है कि नहीं ये दिखाने के लिए ये पत्ती थोड़ी लूज दिखाई देते। ये पत्ती देखो कैसी है। ये मैंने 15 दिन पहले ग्रो किया था और ये दूसरा पौधा जिसकी सभी पत्ती मैंने निकाल दी थी और इसको 7 दिन पहले ग्रो किया था। वो जब उसको पोषण मिलता है तो अपने आप ये सेट हो जाता है और अच्छी तरह ग्रो होता है और बड़ा भी होता है। ये 7 दिन का, ये 15 दिन का पौधा हुआ ग्रो करने के बाद और आज ये किया है, ये भी हो जाएगा इसी की तरह क्योंकि उसमें जड़ है और पौधा बिल्कुल स्वस्थ है तो उसको ग्रो होने में कोई तकलीफ नहीं होगी। उसको इसमें से न्यूट्रिशन मिलता ही रहेगा क्योंकि अच्छी पोटी मिक्स है। तो ये पौधा तैयार हो गया समझो। ये दो तो हो गया, ये भी हो जाएगा। तो ऐसे ग्रो करते हैं। तो ये हो गया समझो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकॉन दबाइए। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।